हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप, मैं स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। गाइस, ये वाला साइन ना इस साल बहुत चला है हैशटैग। तो अगर कुछ रिजल्ट के अंदर हैशटैग दिखाई दे रहा है, कुछ रिजल्ट जब रिजल्ट हमारा आएगा उसके अंदर हैशटैग दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जैसे आप सभी को मैंने कंबाइंड रूल बताया था, जिसने नहीं देखा 10th एंड 12th कंबाइंड रूल डालो गिरीश ड्यूडोरर, आपको पूरा डिटेल में पता चला है कंबाइंड रूल होता क्या है। तो आप सभी को जस्ट एग्जांपल, अब 10th स्टैंडर्ड का मैं लेता हूँ, लैंग्वेजेस में कुल मिला के अकॉर्डिंग टू कंबाइंड रूल के हिसाब से 105 चाहिए। अब मान लो मेरा एक पेपर में 37 मार्क्स है, एक में 45 मार्क्स है, ओके, और एक में मेरा 27 मार्क्स है, इतना मार्क्स है, ओके। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको प्लस करूँ 14 हो गया, 14 + 9 19 हो गया, ओके, देन इसके 1 4 4 2 6 6 7 7 और 3 10 हो गया, तो इसको 109 मार्क्स मिला, 109 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू कंबाइंड रूल के हिसाब से ये पास है, बट अगर हम देखें तो हमें 100 में से पासिंग मार्क्स कितना होता है, 35 मार्क्स। तो इसके अंदर इसको कंबाइंड रूल अप्लाई किया गया, इसीलिए इसके आगे ऐसे हैशटैग का ये साइन ऐसा लगा रहेगा। तो हैशटैग का ये साइन लगा रहा तो आपको समझ लेना कि आप किस अकॉर्डिंग पास किए गए हो, कंबाइंड रूल के हिसाब से पास किए गए हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू, अगर हम 100 में से देखें तो 100 में से कितना चाहिए, 35 मार्क्स, बट आपको कितना मिला है, 27 मिला, फिर भी आप पास हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंबाइंड रूल के वजह से ये हमारी नैया पार हो गई है। तो गाइज, ये हैशटैग उसका ही साइन है। तो गाइज, आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, एंड जय हिंद दोस्तों।